हेलो दोस्तों, सो मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं ले जाऊंगी दिल्ली के दिल्ली हाट में, जो कि आईने में स्थित है। दिल्ली हाट आईने जाने के लिए आपको आईने मेट्रो स्टेशन उतरना होगा और सामने ही आपको दिल्ली हाट की एंट्री गेट मिल जाएगी। दिल्ली हाट भारत की राजधानी दिल्ली में एक फेमस मार्केट है, जो कि इस शहर की सांस्कृतिक और जीवन शैली का प्रतीक है। अंदर एंट्री करते ही लेफ्ट साइड में ये जूते की शॉप थी। यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे जूते, मोजरीज मिल रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, कलर्स ऑप्शंस भी बहुत सारे थे। एक्चुअली ये जगह गवर्नमेंट ने क्रिएटिव लोगों की क्रिएटिव चीजें दिखाने और बेचने के लिए बनाया है। यहाँ आपको काफी यूनिक चीजें भी देखने को मिल जाएंगी। अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो ये 7 days खुला रहता है और सुबह 10 से रात के 10:30 तक ये ओपन रहता है। दिल्ली हाट एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, जहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वो लोग जब दिल्ली आते हैं तो यहाँ ज़रूर आते हैं, सो डैट यहाँ का संस्कृति और सब चीज़ें वो जान सके। यहाँ के यूनिक कलेक्शंस वो आउट ऑफ इंडिया भी ले जाते हैं। मधुबनी पेंटिंग्स के यहाँ पर बहुत अच्छे कलेक्शंस थे। यहाँ पर चुन्नी, दुपट्टा, इतने सुंदर सुंदर सूट्स बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे। एक जरूरी बात तो मैं बताना भूल ही गई, यहाँ के एंट्री फीस के बारे में। एक्चुअली यहाँ पर 30 rupees इंडियन से लिया जाता है और 100 rupees फॉरेनर से लिया जाता है। अगर आपके साथ छोटा बच्चा है तो उसकी 10 rupees हो गया एंट्री फी फॉर इंडियंस ओनली। हाथ से कढ़ाई किए हुए चुन्नी थे यहाँ पर, बहुत ही ट्रेडिशनल लुक दे रहा था ये शॉप। ये जो भैया चुन्नी दिखा रहे हैं, इसका प्राइस उन्होंने 1200 बोला था। क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट है तो यहाँ पर काफी रेंज प्राइस के बहुत ज़्यादा थे, और अगर आपको यहाँ से लेना है तो आपको थोड़ा मोल भाव जरूर करना चाहिए। ये हाथ से बनाए हुए शिल्प के मूर्ति बहुत ही प्यारे लग रहे थे। दिल्ली हाट में बहुत सारी चीजें आप ऐसे देखेंगे जो कि हाथ से बनाई हुई है और बहुत ही ट्रेडिशनल होती हैं, और इसको यहाँ पर कारपेट के बहुत अच्छे कलेक्शन थे, बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन थे। एक्चुअली जैसा कि आप देख सकते हैं, हर कलर में भी अवेलेबल था। मैंने भैया से पूछा था तो भैया ने बोला था वो कुछ कारपेट्स तो अपने हाथ से भी उन्होंने बनाए हैं। काफी लोग इसे पसंद करते हैं, ऐसी पेंटिंग्स को अपने घर में लगाना, और बोलते हैं कि ये बहुत शुभ माने जाते हैं।
आगे बढ़ने पर और बाजार में बहुत सारी जगहों पे आपको ऐसे चिकन के कुर्तीज मिल जाएंगे। यहाँ के रेट्स भी 1200-1300 ऐसे ही स्टार्टिंग था, बट अगर आपको लेना ही है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा आप उनसे कम करवा सकते हैं। आगे चलने पे हमें ये इयररिंग्स की बहुत बड़ा दुकान मिला। इस शॉप पे काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, नेकलेस थे, देख सकते हैं आप कितने यूनिक यूनिक नेकलेस दिख रहे हैं यहाँ पर। इयररिंग्स, बैंगल्स, पायल, ब्रेसलेट, हर चीज यहाँ पर मिल रहा था। की चेन्स भी है यहाँ पर। काफी वाइड रेंज था यहाँ पर, मतलब आप कुछ भी चीजें यहाँ पर खोज सकते थे और आपको ये मिल जाता। अगर आपको शौक है इयररिंग्स अलग अलग तरह की इयररिंग्स नेकलेसेस का, तो ये बेस्ट जगह है आपके लिए। अगर आप दिल्ली हाट घूमने जा रहे हैं तो कुछ चीजों का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं तो कुछ हैट जरूर पहनना चाहिए, हैट या टोपी सिर पे, जिससे आपको गर्मी थोड़ा कम लगे। और बार बार आपको पानी पीते रहना चाहिए, इससे आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा। अगर आपको भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं है तो आप वर्किंग डेज में भी जा सकते हो। आगे जाके हमें ये रियल पर्ल लिखा हुआ था यहाँ पर, तो हमने ये चेक किया कि ये रियल पर्ल ही है क्या, बट उतना टाइम नहीं था कि रियल पर्ल चेक कर सके। सो अकॉर्डिंग टू भैया ये तो रियल पर्ल ही था। ये पोटली टाइप पर्सेस थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, ट्रेडिशनल लग रहे थे। एक्चुअली एक एक पर्स में ये मोती बिठाना, इतना तार का काम करना बहुत टाइम लगता है इसके लिए। और यहाँ पर ये लोग लेके आते हैं ये सब बेचने के लिए, तो ऑब्वियसली थोड़ा हाई रेट बचाएंगे ही।
15 दिनों के लिए 100 रुपए प्रतिदिन के शुल्क के साथ व्यापारियों को यहाँ पर स्टॉल लगाने दिया जाता है। तो मतलब हर रोज उनको 100 रुपीज देना रहता है और वो 15 दिन के लिए ही लगा सकते हैं वहां पर। ये दिल्ली हाट है आईने वाला, जो जनकपुरी वाला है, वहां पर पहला कॉमिकॉन हुआ था जो कि 2011 में था। यहाँ पर लोगों को बुलाने के लिए, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए और टूरिज्म प्रमोट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं, जैसे कि फूड फेस्टिवल, या फिर जब मैंगो आते हैं तो मैंगो का त्यौहार मनाया जाता है, और समर फेस्टिवल भी मनाया जाता है। तो जब ये फेस्टिवल्स होते हैं तो काफ़ी अलग अलग तरह के चीज़ें आई रहती हैं, और रिलेटेड टू वो जो फेस्टिवल हम मना रहे हैं उसके रिलेटेड में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरह की आई रहती हैं। यहाँ पर मैंने भैया से पूछा था, एक्चुअली मुझे नॉलेज नहीं था कि ये क्या है, तो भैया ने बोला था कि ये घर पे इनको लगाया जाता है, और जो मैंने हाथ में पकड़ रखा था वो 150 का वो उन्होंने कोट किया था। एक्चुअली बोलते हैं ये शुभ होता है घर में लगाने के लिए। तांत की, कॉटन की, बहुत अलग अलग तरह की साड़ियाँ थी। कुछ चीज़ें, कुछ मटेरियल तो मैं जानती भी नहीं थी, उनके भी साड़ियाँ मिल रही थी और काफ़ी सुंदर सुंदर थे। यहाँ पर आप दरिया देख सकते हो, कारपेट बहुत ही सुंदर सुंदर थे। आगे जाके वहाँ पर नेकलेसेस का बहुत सारा फिर से एक शॉप था, और एक्चुअली बहुत सारे शॉप हैं यहाँ पर, और अलग अलग डिफरेंट टाइप के वहाँ पर नेकलेसेस, इयररिंग्स, ब्रेसलेट्स मिल जाएंगे। कुछ ब्रेसलेट्स हम चेकआउट कर रहे थे, बहुत ही सुंदर थे। ऐसे यूनिक ब्रेसलेट एक्चुअली आपको बहुत रेयरली कहीं कहीं मिलेंगे। ऑनलाइन अगर आप देखने जाओगे तो बहुत ही महंगे और बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक्चुअली मिलते ही नहीं हैं, लेकिन आपको जो प्रोडक्ट भी आएगा वो भी सही नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे ये क्वालिटी यहाँ के। एक्चुअली यहाँ से चीज़ें ले के गिफ्ट करना बहुत ही अच्छा लगेगा, सामने वाले को भी और खुद को भी। सामने आप जो असम लिखा देख रहे हैं
वो एक्चुअली यहाँ पर हर स्टेट का अपना अपना एक एक रेस्टोरेंट टाइप है जहाँ पर उनके यूनिक डिशेस वहाँ पे मिलते हैं। असम का जो फेमस डिश है वहाँ पर मिलेगा और ऐसे ही आगे जाके आपको सब जगह का मिलेगा। ये जो भैया का स्टॉल था यहाँ पर उन्होंने बहुत ही यूनिक यूनिक नाम और जो कि फेमस हो चुके हैं डायलॉग्स वो सब का नेम प्लेट टाइप बना के रखा था जो कि आप डोर के बाहर लगा सकते हैं। देख सकते हैं आपकी कितने सुंदर लग रहे हैं ये सब। ये भैया के स्टॉल पे एक्चुअली छोटे छोटे लट्टू जो जो हम बचपन में खेला करते थे वो सब चीजें यहाँ पर थी। आप सभी को याद होगा कि इसमें से कोई ना कोई चीजें तो आपने जरूर ही जरूर ट्राई किया होगा, खेला होगा बचपन में। दिल्ली हाट घूमते हुए आपको यहाँ बहुत सारे टेस्टी खाना खाने को मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ हर स्टेट का स्टॉल मिल जाएगा जिसमें वहाँ के फेवरेट डिशेस आपको मिल जाएंगे। खाने के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है और कोई कमी नहीं होगी आपको खाने के लिए। तो यहाँ आकर आप आराम से फुल डे घूम सकते हैं क्योंकि यहाँ खाना पीना सब चीज का इंतजाम है और यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं, अपना सैटरडे संडे बहुत ही अच्छे से गुजार सकते हैं। दिल्ली हाट आईएनए के अलावा प्रीतमपुरा और जगनकपुरी में भी अवेलेबल है, वहां पर भी आप सेम ऐसा ही देख सकते हैं। एक्चुअली टूरिस्ट बहुत यहाँ पर आते हैं और जो भी आते हैं दिल्ली वो जरूर यहाँ पर घूम के जाते हैं क्योंकि यहाँ पर उनको सारे कलेक्शंस इंडिया में जितने भी हैं वो सब देखने को मिल जाते हैं। जितने भी कारीगरों द्वारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर जो चीज़ें बनाई रहती है, क्रिएटिव चीज़ें जो कि उन लोगों को बहुत पसंद आती हैं और वो लोग यहाँ से बहुत सारा शॉपिंग एक्चुअली करके जाते हैं। इस शॉप पे काफ़ी ज़्यादा टी के वैरायटी अवेलेबल थे, इनफैक्ट जो पैक्ड फूड होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थे यहाँ पर, अचार के वैरायटी थे और जो भी हमारा घर पे बनता है सेम वही थे, बस ये था कि वो पैक करके अच्छे से बेच रहे थे वो लोग। इस शॉप पे भैया बहुत तार से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लिख के बना रहे थे, आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर उन्होंने लिखा भी है, चेन में भी लिख के डाला है, की चेन भी बनाया है और बहुत सारे अच्छे नेम प्लेट्स भी बनाए हुए हैं। तो आप वहाँ पर खड़े खड़े उनसे बनवा सकते हो अपने नाम का प्लेट। देख रहे हो अभी भैया लाइव बना भी रहे हैं एक। आगे जाके तमिलनाडु, महाराष्ट्र का पंजाबी सब खाना वहां पे मिल रहा था।
आगे जाके आपको एक छोटा सा ऑडिटोरियम भी दिखेगा। फेस्टिवल्स के समय यहाँ पर संगीत का भी प्रोग्राम रखा जाता है। मिट्टी की भी मूर्तियाँ काफ़ी यहाँ मिल रही थी, चीनी मिट्टी की, और बहुत ही अच्छे कलेक्शंस थे। घर को अगर आप ट्रेडिशनल लुक में देखना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें तो ज़रूरी होती ही है घर को बहुत सुंदर बनाने के लिए। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, सभी चीज़ों के, सभी स्टेट्स के यहाँ पर रेस्टोरेंट बने हुए हैं। आपको अंदर ही वॉशरूम भी मिल जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि आप पूरा दिन यहाँ पर आराम से बिता सकते हैं। क्योंकि आप पूरा इंडिया आप जल्दी से घूम नहीं सकते हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ें नहीं देख सकते हैं, सो आप अगर दिल्ली हाट आएंगे तो सब चीज़ों का टच मिल जाएगा यहाँ पर। कुछ कुछ शॉप तो बहुत मेस्मराइजिंग लग रहे थे, लग रहा था कि सभी चीजें ले लूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जूट के बास्केट्स बहुत ही प्यारे प्यारे थे, बहुत मजबूत भी थे एक्चुअली, ये सब कलरफुल भी देख सकते हैं आप, कलरफुल में भी मिल जाएगा अगर आपको कोई और कलर चाहिए तो, और सिंपल में भी मिल जाएगा। तो ये रहा मेरा दिल्ली आईने का टूर, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं यहाँ वहाँ जाती रहती हूँ और मैं वहाँ के वीडियोस बनाती रहती हूँ। सो मैं आप सबको, अगर आप देखना चाहते हैं दिल्ली के बारे में और, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा, और तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरे इस वीडियो को, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।